गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है ब्लैकमेल इमोशनल सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। इस रूब्रिक के तीन चार कंपोनेंट्स हैं। पहला है इमोशनल ब्लैकमेल, ब्लैकमेल करना, इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करना, किसी की भावनाओं के साथ किसी को अपनी भावनाओं में बहा कर ले जाना, ऐसे टैक्टिक्स प्ले करना कि दूसरे को गिल्ट फील होने लग जाए कि उसने शायद कोई कुछ गलत कर दिया, दूसरे को अपसेट कर देना, धमकी देनी, इमोशनल ब्लैकमेल करना, किसी चीज़ की धमकी देनी, भावनात्मक धमकी देनी। तो यहाँ पर वो क्या धमकी देता है, यू डू नॉट लव मी, कि मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते, और इमोशनल होके कहना। ये उन रिश्तों में कहा जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको रिश्ते पर गर्व हो, जैसे बच्चा कह रहा है अपनी माँ को या फादर को, किसी को भी, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते। और कब कहता है ऐसे, व्हेन रिफ्यूज्ड, जब वो कोई चीज़ मांग रहा है और उस चीज़ को रिफ्यूज़ किया जाता है कि नहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी, बस तब बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अक्सर ये रूब्रिक मैं बच्चों में इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बार बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, भावों को होकर वो अपनी बातें मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको भावुक होकर उनको धमकी देते हैं, एक तरह की ब्लैकमेल करते हैं कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, ताकि दूसरा हर्ट हो, दूसरा गिल्ट फील करे या दूसरा अपसेट हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी बात मनवानी है। ये रूब्रिक भी बहुत बार पेशेंट्स में, बच्चों में खासकर मैंने इस्तेमाल किया है। और इस रूब्रिक में दो मेडिसिन्स हैं, पल्सटिला एंड ट्यूबरकुलिनम, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट मेडिसिन हैं। पल्सटिला में बहुत ज़्यादा माइल्डनेस, बहुत यील्डिंग, जैसे कोई बोलता है वैसे मान लेना, ओबीडियंट होता है बहुत ज़्यादा, और रोता बहुत है, बात बात पे रो पड़ना और कह देना मुझे तो तुम प्यार ही नहीं करते, ताकि अपनी बात मनवाई जा सके। और प्यार से, हमदर्दी से पेशेंट के पेरेंट्स या भाई बहन उसको प्यार करते हैं, बस दो मिनट में ठीक, क्योंकि इसको कॉन्सोलेशन एंड सिम्थी की, पल्सटिला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एमिलेरेट करता है। उसके ऑपोजिट ट्यूबरकुलिनम है, जो बहुत डिस्ट्रक्शन के लिए माना गया है, घूमना फिरना, डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़, मार कुटाई, एंगर, वॉयलेंट, बहुत ज़्यादा इस तरह का। सो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट मेडिसिंस हैं, एक में बहुत माइल्डनेस है, दूसरे में बहुत ज़्यादा उसके ऑपोजिट ऑब्स्टिनेसी है, ज़िद्दीपन है, कहना नहीं मानना और चीज़ों की तोड़फोड़। तो ये वो पेशेंट है जो अपने घर वालों को, जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं, क्योंकि इनको जो इन्हें चाहिए होता है वो नहीं मिला, उस चीज़ के लिए मना कर दिया गया, रिफ्यूज़ कर दिया गया है। बहुत कॉमनली हमें ये रूब्रिक बच्चों में देखने को मिलता है। अक्सर आके पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं कि जब भी किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो रूट के बैठ जाती है कि मुझे तो आप प्यार नहीं करते। स्पेशल ये वर्डिंग लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास में, यू डू नॉट लव मी। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है,
कोई और इमोशनल रूब्रिक किसी भी मेडिसिन का वो लिखिए। थैंक यू।